दोस्तों, क्या हाल चाल यार। आई होप कि सब बढ़िया हो। तो यार भाई लोग, यार ये डो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले होता है, बट यार ये अभी जस्ट के जस्ट यार सोलो वर्सेस स्क्वाड बन जाता है, क्योंकि यार अपना एक बंदा मर जाता है चुकी आपे के कारण। तो यार अभी देखो यार, यहाँ पे मुझे M16 हाथ में लगी थी और मुझे यहाँ पे एक बॉट स्पॉट होगा, तो यार इस बॉट को तो मैं बड़ी इजली फिनिश कर देता हूँ। तो यार इस गेम का शुरुआत इस बॉट को मार के होता है, और यार बॉट मुझे थॉमसन गिफ्ट करके जाता है। तो यार इसके क्रेट से थॉमसन उठाने के बाद यार मैं आगे बढ़ता हूँ, और यार जैसे मैं इस तरफ इस बिल्डिंग के साइड आता हूँ, मुझे एक और बॉट स्पॉट होता है। तो यार मैं सोचने लग गया था कि ये बॉट लॉबी तो नहीं लग गई, क्योंकि यार यहाँ पे दो बॉट मुझे धराधर मिल गए थे। बट यार तभी मुझे एक पूरे दो बंदों की टीम होती है, उनकी फुटस्टेप आता है। तो यार अब देखो यार उनको कैसे भरते हैं। तो यार मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि उस घर में बंदे हैं, और उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, वो सीधा पुश कर देता है उस पर। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करता है ना, जिस वजह से वो तुरंत के तुरंत नॉक फिनिश हो जाता है। मैं उसको कॉल देता हूँ कि उस घर में बंदे हैं, उसको TPP लेना चाहिए था, थोड़ी बहुत पोजीशन पता करने चाहिए थे बंदे की, बट यार वो सीधा घुस जाता है, इसलिए वो बेचारा नॉक फिनिश हो जाता है और मैं उसको बचा भी नहीं पाता। बट यार मैं फिर थोड़ा सा रोटेट करके जाता हूँ, क्योंकि अपने टीममेट का बदला तो हमें लेना होता है ना। अभी देखो यार, तुम्हें सामने उस घर में से बंदे की गन ग्लिच होते हुए दिखेगी। इससे मुझे उसकी पोजीशन पता चल गई थी कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे कहाँ पे है। बट यार तभी उसका जो दूसरा टीममेट होता है ना, वो दरवाजे से बाहर आ जाता है, तो मैं उसको बड़ी इजी नॉक कर देता हूँ। अभी एक बंदा नॉक था, अब हमें पुश करने का पूरा खुला छूट था हमारे पास। तो यार यहाँ पर अपना गन थोड़ा सा रिलोड करके सीधा पुश करते हैं। बट यार जब मैं उस घर में जाता हूँ, तो मुझे जिसको मैंने पहले नॉक किया है वो बंदा मुझे स्पॉट ही नहीं होता, पता नहीं छुप जाता है वो। बट यार मैं मुझे उसका टीममेट यहाँ पे TPP लेता हुआ दिखता है, मैं इसको बड़ी इजी नॉक कर देता हूँ, साथ के साथ फिनिश कर देता हूँ। बट यार ये दोनों तो नॉक हुए थे, मतलब इनका और टीममेट जिंदा था। अभी बारी थी इनके बाकी के बचे हुए टीममेट को ढूंढने की। बट यार उससे पहले जो है ना, जिसको मैंने पहले नॉक किया था उसको फिनिश करना था। तो अभी चलो यार पहले उसको फिनिश करेंगे, फिर इसके बाकी के बचे हुए टीममेट को भी ढूंढते हैं। यार ये बंदा यहाँ पे छुपा हुआ था, इसको तो फिनिश कर दिया, और इसके क्रेट से एक KM भी मिल गई थी मुझे, नहीं DP मिली थी इसके क्रेट में। तो यार अभी जो इसका लास्ट टीममेट था, उसकी फुटस्टेप भी मुझे आ रही थी। अभी देखो यार उसको कैसे भरते हैं। तो यार उस बंदे की फुटस्टेप मुझे इस तरफ से आ रही थी, बहुत छोटा सा, बहुत लो साउंड आ रहा था। बट यार वो यहाँ पे TPP ले रहा था, इस बेचारे को तो हिलने तक का मौका नहीं मिला, और फिनिश हो गया ये। तो यार ये पहला स्क्वाड वाइप हो चुका था मिल्टा में, अभी बाकी के स्क्वाड की बारी थी। अभी देखो यार बाकी के स्क्वाड को कैसे भरते हैं। यार मैं इस तरफ आता हूँ, मुझे इस घर में फिर से एक बंदा स्पॉट होता है, मैं फ्री फायर देता हुआ इस घर में घुसता हूँ, और बट यार ये बंदा खिड़की से नीचे कूद जाता है। बट ये बात मुझे पता नहीं होती, इसलिए मैं इस घर में भी फ्री फायर देते हुए घुसता हूँ, क्योंकि वो नीचे कूद चुका है, मुझे पता नहीं था। बट यार तभी मुझे इसकी फुटस्टेप आती है, और मैं इस खिड़की से नीचे जंप कर देता हूँ। अभी तुम लोग देखो, तो यार इस खिड़की से जंप करके इसको तुरंत के तुरंत नॉक फिनिश करता हूँ। बट यार इसके बाकी के टीममेट मुझ पर पुश करते हैं, तो देखो यार अभी उनको कैसे भरेंगे। बट यार उनको भरने से पहले हम थोड़ा सा हील कंप्लीट करेंगे। यार यहाँ पे अपनी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो यार मैं इधर आराम से TPP लेने लगता हूँ। बट यार उससे पहले मैं स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि उस तरफ से टीम का पुश आ रहा था मेरे पे। बट यार इस साइड से एक गाड़ी भी आती है, मतलब इसके जो बाकी के बंदे थे ना, वो चारों तरफ से मेरे पे पुश कर रहे थे। तो यार मैं अपनी पोजिशन यहाँ पर बार बार चेंज कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर एक पोजीशन पर रहता ना, तो इसके बाकी बचे हुए तीन बंदे मुझे घेर के मार देते बड़ी इजली। हालांकि मैं एक को नॉक कर देता, बट यार बाकी के दो उसका ट्रेड ले लेते मेरे से। बट यार सोलो वर्सेस स्क्वाड है, तुम जितना पोजीशन चेंज करो ना, उतनी अच्छी बात होती है तुम्हारे लिए। तो यार अभी देखो यार इनको कैसे भागा भगा के मारूंगा। इनका एक बंदा तो यार यहाँ पर मुझे स्पॉट होता है, और मैं इसको तो नॉक कर देता, हालांकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। बट यार मैं पहले सोचता हूँ कि इसको फिनिश कर दूँ, बट यार फिर मैं सोचता हूँ कि हीलिंग कम्प्लीट कर लेता हूँ। इसको नॉक करके यार मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ही करता हूँ, क्योंकि ये बेचारा रिवाइव हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे स्मोक में, तो ये लोग स्मोक कर देते हैं यहाँ पे, और यार मैं स्मोक में एक नेट तो फेंक देता हूँ, बट यार उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
तो यार इस नेट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यार मैं और थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि मुझे इन पे, ताकि ये लोग मेरे पे पुश करें, मैं इन पे ना करूँ। अभी देखो यार इसकी बात का मुझे कितना एडवांटेज होता है ना, ये तुम लोग देखते रहो। मैं यहाँ पे पूरा फॉल बैक कर लेता हूँ, मैं चाहता था कि ये मेरे पीछे आए, और होता भी यही है, ये लोग मेरे पे पुश करते हैं। अब देखो इनको कैसे भरते हैं। बढ़िया, जैसे ही हम इस तरफ आते हैं इनका एक बंदा जो होता है ना वो इस तरफ आ चुका होता है। अभी देखो उसको नॉक करूंगा, तुरंत तुरंत रोटेट करके फिनिश कर दूंगा। ये इस बंदे को इस साइड आकर के मैं बड़ी इजीली फिनिश कर देता हूँ। अभी इसके बाकी के दो बंदे और बचे हुए थे, उसको भी यार वापस उसी तरफ से रोटेट करके मारता हूँ, देखो कैसे मारेंगे इसको। यार फ्री फायर करते हुए घुसता हूँ और फ्री फायर काम में आ जाता है, क्योंकि ये मेरे फ्री फायर में आ जाता है और इसको फिनिश कर दिया। वापस पीछे मुड़ करके इसका आखिरी बंदा आता है, इसको भी फिनिश कर देता हूँ। बट यार तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है, इसको मैं तुरंत रोटेट करके डीपी से मारता हूँ यार, वरना ये तो मुझे खा ही जाता। तो यार इन सबको फिनिश करने के बाद यार अभी बारी थी जोन में निकलने की। यार यहाँ पर अपन मिल्टा पूरा क्लियर कर चुके थे, यार यहाँ पे इन्हीं, तो यार यहाँ पे अपन इन्हीं की गाड़ी निकाल करके जोन में जाते हैं। तो यार ये घर जो है जोन के सेंटर में होता है, तो मैं ये घर पे घुस जाता हूँ। अब देखो यार यहाँ पे क्या मस्त डीपी से फाइट होगी। तो यार यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है और मैं उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ यार, बट उसको कोई और नॉक कर देता है। बट यार हालांकि उसको नॉक तो कोई और करता है, बट किल हम ही उठाते हैं। मतलब देखा, डैमेज मैंने दिया, नॉक किसी और ने किया और किल फिर मैंने उठाया। यार अभी इसका एक और बंदा बचा हुआ था, अभी उसकी बारी थी, देखो अभी उसको भी कैसे भरेंगे। हालांकि वो अभी इस वक्त तो मुझे स्पॉट नहीं होता है, बट यार फिर वो मुझे यहाँ पे स्पॉट हो जाता है थोड़ी देर बाद। देखो उसको कैसे भरते। ये बंदा जो है ना इस घर में डबल स्टोर में नेट फेंक रहा था, बट इसको नेट फेंकना बहुत भारी पड़ गया और ये नॉक फिनिश हो गया। तो यार अभी इस तरफ से मुझे ओम चलने की आवाज़ आ रही थी। अभी यार ग्राउंड फ्लोर पे जाकर के मैं यार थोड़ी सी टीपीपी लेता हूँ इस साइड की। और यार यहाँ पे लेट करके मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगता हूँ कि, बट यार तभी मुझे एक सांप का बच्चा प्रोन दिखता है। अब देखो यार इसको कैसे भरते हैं। डीपी के एक बर्स्ट में ये नॉक हो जाता है, बाकी के दो बर्स्ट में तो ये फिनिश भी हो जाता है। तो यार यहाँ पर इसको नॉक फिनिश कर दिया था, बट यार यहाँ पे जोन मेरे पे से शिफ्ट हो गया था, बारी था जोन में जाने की। तो यार अभी अपन जैसे ही जोन में पहुँचे ना, यहाँ पे देखो यार क्या कांड होता है। अभी तुम लोग देखो यहाँ पर मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आई और यार बंदा मेरे पे नेट फेंकता है और यार मैं भी उस पर एक प्री नेट फेंक देता हूँ, जिस तरफ से फुटस्टेप आई थी ना उसी तरफ। देखो यार अभी जो मैं अपना नेट है ना वो इस गाड़ी के नीचे फेंक देता हूँ, प्री नेट होता है ऐसे ही तुक्का। बट यार इस बंदे का नेट जो है इसके अंदर होता है, उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यार अपने नेट से बंदा नॉक हो जाता है प्री नेट से। मतलब देखा क्या मज़ा आ जाता है जब कोई प्री नेट से नॉक होता है। यार बाहर निकल के इसको तुरंत के तुरंत फिनिश करता हूँ, वापस अंदर जाकर के प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि अभी और बंदे बचे हुए थे, कहीं मैं मर ना जाता यहाँ। अच्छा खासा गेम जा रहा था, बर्बाद हो जाता। बट यार तभी मैं इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि जोन फिर से शिफ्ट हो गई होती है और यार मुझे इधर स्मोक किया हुआ दिखता है। तो यार मैं इस स्मोक में नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, बट यार किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई वहाँ होता नहीं है, शायद मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नेट फेंका गया था। बट यार मैं इस तरफ और नेट फेंक स्मोक्स फेंक देता हूँ, क्योंकि पीछे भी तो एक बंदा था ना जिसको मैंने फिनिश नॉक फिनिश किया था, उसका टीममेट था। बट यार तभी मुझे इधर से फुटस्टेप आती है और ये बंदा मस्त जोन में पहुँचते ही फिनिश हो जाता है। तो अभी यार बाकी के सिर्फ दो बंदे बचे हुए थे, एक बंदा मैं था और एक और बचा हुआ था। बट यार यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिसकैलकुलेशन हो जाती है, तुम लोग देखो यार ये मिसकैलकुलेशन की वजह से मैं मर जाता हूँ। तो अभी यार मैं जोन में जाने के लिए निकलता हूँ और मैं स्मोक्स देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा रिज के इस साइड है। तो यार मुझे तो यही लगता है कि वो बंदा अभी जोन में होगा, रिज के इस साइड है, क्योंकि वो बंदा ओम चला रहा था पहले। बट यार ये बंदा जो है ना रिज के इस साइड होता है, मेरे को फिनिश कर देता है। जब तक मैं टर्न करूँ तब तक मैं फिनिश हो जाता हूँ। तो यार अगर ये गेम प्ले पसंद आया हो ना तो चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो यार इस गेम प्ले में देख रहे हो डैमेज, 2608 का डैमेज दिया था यार 15 किल्स पे।